मैं हूँ डॉली और आपका स्वागत है जस्ट टेस्ट पर। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना मफिन्स, जो कि मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ बोल में मैंने एक बनाना ले लिया है। अब हम इसे फोर्क से मैश कर लेंगे। हमें बनाना अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब हम इसमें डालते हैं एक अंडा। ये मैंने अंडे को तोड़कर इसमें डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप घी। आप चाहे तो यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डालती हूँ 1/4 स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस हमें एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं डालती हूँ इसमें शुगर। ये पिसी हुई चीनी है, ये मैंने हाफ कप शुगर लिया है। इसे भी हम अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। अब हम इस बोल को साइड रख देते हैं और एक दूसरा बोल लेते हैं। इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया, 1/2 कप मिल्क पाउडर, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 स्पून बेकिंग सोडा। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम सिनेमन पाउडर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया। अब हम इसे दूसरे बोल में पलट लेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमें लगभग 5 मिनट तक बीट करना होगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी हो गई है। अब हम यहाँ एक मोल्ड लेते हैं जिसे कि हम ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड ना हो तो आप कटोरी या कोई कप का भी यूज कर सकते हैं। अब हम अपने मोल्ड में इस बैटर को पोर कर लेते हैं। ये मैंने स्पून से इसमें बैटर डाल दिया। हमें ये मोल्ड पूरा नहीं भरना है, हम इसे ऊपर से थोड़ा सा खाली रखेंगे। इस तरह मैंने सारे मोल्ड्स को भर लिए हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई में लगभग 1 कप नमक ले लिया है और इस तरह मैं उसमें एक कटोरी प्लेस करती हूँ। अगर आपके पास स्टैंड हो तो स्टैंड लगा सकते हैं। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने सारे मोल्ड्स को एक प्लेट में रख लिया है और इसे चॉकलेट चिप से गार्निश कर लेती हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स को बैटर में भी मिला सकते हैं। और अब हम इसे कढ़ाई में प्लेस कर लेंगे। अब ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सिनेमन पाउडर छिड़क देती हूँ, ये दालचीनी का पाउडर है, और इसे ढककर हम 20 मिनट तक पकने देते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा मफिन्स बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम चेक करते हैं ये अच्छी तरह पका है या नहीं। इसके लिए हम इसमें एक चाकू डालेंगे। हमारा चाकू बिल्कुल साफ बाहर आ गया, मतलब हमारा मफिन्स अच्छे से पक गया है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।